ओके सो क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। बताना है कि इनमें से कौन सी एपी है और कौन सी नहीं है। अगर एपी है तो उसका डी भी बताना है और 3 और टर्म्स लिखने हैं। 3 टर्म्स आपको कंटिन्यू और करने हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। क्या ये एपी है? नो सर, नो सर। क्योंकि a2 - a1 ये आपका आएगा 4 - 2 यानी 2 आएगा, और a3 - a2 8 - 4 यानी 4 आएगा। तो क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, मतलब इट इज नॉट एन एपी। इट डज नॉट मेक एन एपी। सेकंड 2, फिर 5/2, फिर 3, फिर 7/2। ये एपी है या नहीं? यस सर, यस सर। डिफरेंस निकालते हैं। a2 - a1 5/2 - 2, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। 5 - 4 यानी 1/2 आएगा। अब ऐसे ही a3 - a2 करते हैं। थ्री माइनस 5/2, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 6 - 5 यानी 1/2 आएगा। डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब इट इज एन एपी। तो और एपी हो तो आपको क्या करना है, 3 नए टर्म्स भी थ्री लिखने और हैं। डिफरेंस तो मिल गया 1/2, अब 3 नए टर्म लिखने हैं। तो देखो क्या आएगा 7/2 के बाद। नो सर, 4 आएगा, फिर 9/2। देखो ये मैंने मेथड वाइज कराया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो तो बहुत इजी है। 5/2 डिवाइड कर दो तो 2.5 मिलता है। 5/2 यानी 2.5 होता है। और 7/2 3.5 होता है। तो देखो ये 2, 2.5, 3, 3.5, फिर क्या आएगा 4, फोर फिर फिर 9/2, 4.5, 4.5 यानी 9/2, फिर 5 आएगा। तो ये आपके 3 नए टर्म्स हो गए। चलो फिर 3 नंबर। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। एपी है या नहीं? यस सर है। एपी है। डी कितना मिलेगा? a2 - a1 सर टू, माइनस का 3.2, माइनस माइनस का 1.2। ये माइनस माइनस प्लस हो गया।
अब देखो माइनस प्लस माइनस, 3.2 में से 1.2 गया तो 2.0, लेकिन साइन बढ़े की तो माइनस किया तो डिफरेंस माइनस टू माइनस टू पॉइंट है। सिक्स ठीक है, डिफरेंस माइनस टू मिला। तीन टर्म आगे के क्या होंगे? माइनस 9 2, माइनस 11 2, माइनस 13 2, 9.2, 11.2 और 13.2। फोर नंबर, -10, -6, -2, फिर 2। एपी है या नहीं? है सर। यस सर है। कितना डिफरेंस है? यस सर है। सर फोर 4 का प्लस फोर का 4 डिफरेंस का। आएगा सबको निकालना है। यस सर। चलो फिर टर्म्स क्या होंगे? थ्री टर्म्स। टू के बाद क्या आएगा? सर 6 10 14। 6 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर टू प्लस 14। फोर 6। फोर फोर प्लस होता जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। 5 नंबर, 3। फिर है 3 प्लस रूट 2, फिर है 3 प्लस 2 रूट 2, फिर है 3 प्लस 3 रूट 2। एपी है या नहीं? डिफरेंस कितना आएगा √2 √2 का? देखो यहाँ पे हाँ एक सर, रूट रूट टू टू बढ़ता जा रहा है। फिर 2 √2 फिर 3 √2, यानी सिर्फ √2 ऐड होता जा रहा है। पहले एक भी नहीं था, फिर 1 √2 आया, फिर 2 √2, फिर 3 √2, यानी डिफरेंस है आपका √2। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे? 3 √2 है तो अब आएगा 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2। चलो फिर 6 नंबर, 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 times 2। एपी है या नहीं? सर नहीं है। इट इज नॉट एन एपी। डिफरेंस सेम नहीं आएगा इसमें। चलो फिर 7 नंबर, 0 -4 -8 -12। 4 4 कम होता जा रहा है ना, 4 4 कम होता जा रहा है, यानी डिफरेंस आएगा -4। और नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे -16, -20, -24। माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। एपी है या नहीं? है सर। एपी है, इट इज एन एपी। डिफरेंस कितना आएगा? सर 0। डिफरेंस है 0। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे? माइनस सर अपन सेम वन ही टू जाएगा ना माइनस अपन वन सर? टू सेम ही 3 टर्म माइनस है। वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू। ओके, सो 8 नंबर भी हो गया। कितने हैं? ओह, ये तो बहुत सारे हैं। सर
नाइन नंबर वन थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन। एपी है क्या? नो सर, नो सर। इट इज नॉट एन एपी। फिर टेन नंबर ए टू ए थ्री ए। हाँ वाले में से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं ना, उसी नंबर को सीधा मल्टीप्लाई, वन को थ्री दे, नहीं थ्री नहीं को थ्री दे। प्लस करके ही चाहिए जो मल्टी। भावेश, जो मल्टीप्लाई करके वाला प्रोग्रेशन होता है ना, वो आपको 11th में आएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं उसे। ठीक है, चाहे साइंस लो या कॉमर्स लो, हाँ दोनों दोनों में ही आएगा। जीपी बोलते हैं उसे, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मल्टीप्लाई कर करके आता है वो। ओके, यहाँ पे सिर्फ प्लस करके ही चाहिए हमें। ए टू ए थ्री ए। एपी है या नहीं? डिफरेंस क्या आएगा? ए का डिफरेंस है। नेक्स्ट थ्री टर्म्स, 5A, 6A, 7A। का इलेवन नंबर ए, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर्थ। एपी है? हाँ। नो नो, इट इज नॉट एन सर, एपी। नो। डिफरेंस अगर निकालना हो, ए स्क्वायर माइनस ए निकाल सकते हो। स्क्वायर पावर सेम, पावर अलग हो तो माइनस होगा क्या? ये ज्योमेट्रिक है, इसमें ए, फिर ये ए मल्टीप्लाई ए है, फिर ये तीन बार ए मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई बढ़ता जा रहा है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एपी नहीं है। ठीक है, सो इट इज नॉट एन एपी। फिर 12th नंबर, रूट टू, रूट एट, रूट 18, रूट 32। अब ध्यान से देखना, इसमें रूट एट ये क्या होता है? टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। रूट 18, टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री। रूट 32, टू मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर। ठीक है, फोर फोर जा 16, 16 टू जा 32। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू बाहर आएगा पेयर बन के, तो टू रूट टू। इसमें थ्री बाहर आएगा तो थ्री रूट टू। इसमें फोर बाहर आएगा तो फोर रूट टू। एपी है या नहीं? अब रूट टू, टू रूट टू, थ्री रूट टू, फोर रूट टू। सर है एपी। ठीक है, अगर आप ऐसे यहीं पे देखते तो आपको लगता है एपी नहीं है। टू एट, फिर 18, फिर 32। तो रूट वाले में सॉल्व करना पड़ेगा, वो ध्यान रखना। क्या लिखेंगे? इट इज एन एपी। डिफरेंस कितना आएगा? सेवन डिफरेंस आएगा रूट टू का। टू रूट टू, थ्री रूट टू, फोर रूट टू। एक एक रूट टू बढ़ता जा रहा है ना। इंक्रीज क्या हो रहा है? रूट टू इंक्रीज हो रहा है। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हो? ए टू माइनस ए वन, टू रूट टू माइनस रूट टू।
इसके आगे कुछ नहीं है तो वन, टू में से वन माइनस होगा तो रूट टू बचेगा ना, यस सर। वन रूट टू बचेगा। ओके तो डिफरेंस है रूट टू का। नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी फोर रूट टू के बाद? 5√2, 6√2, 7√2। ओके फिर है रूट थ्री, रूट सिक्स, रूट नाइन। एपी है क्या? यस सर। नहीं है। सर 3√ का डिफरेंस है ना। रूट थ्री का डिफरेंस होता अगर हमें, तो रूट थ्री फिर टू रूट थ्री फिर थ्री रूट थ्री फिर फोर रूट थ्री ऐसा आता, अगर रूट थ्री का डिफरेंस होता तो। ये अगेन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। रूट सिक्स यानी क्या होगा? रूट थ्री मल्टीप्लाई टू। रूट नाइन यानी थ्री मल्टीप्लाई थ्री। 12 यानी थ्री मल्टीप्लाई फोर। तो मल्टीप्लाई में प्रोग्रेशन हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक। ओके सो इट इज नॉट एन एपी। 13 नंबर इज नॉट एन एपी। ओके सर। 14 सर ये वाला नहीं समझ में आया। एक मिनट न्यू पेज पे समझाता हूँ। एपी है या नहीं उसको समझने के लिए आपको डिफरेंस निकालना है, तो इसमें आप डिफरेंस निकाल सकते हो। देखो तो रूट थ्री, रूट सिक्स, रूट नाइन, रूट ट्वेल्व। ए टू माइनस ए वन करो तो रूट सिक्स माइनस रूट थ्री। माइनस हो सकता है? दो अलग अलग रूट्स माइनस नहीं हो सकते। चलो अब अगर मैं इसको रूट सिक्स को ऐसा भी लिख दूं कि रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट टू होता है, ये माइनस रूट थ्री। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा? रूट थ्री कॉमन आएगा तो बचा रूट टू माइनस वन। ठीक है, ये आपका ए टू माइनस ए वन का डिफरेंस हुआ। अब ए थ्री माइनस ए टू करते हैं। रूट नाइन माइनस रूट सिक्स। तो देखो रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री है ये, और ये रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट टू है। दोनों में रूट थ्री कॉमन आएगा तो बचा क्या? रूट थ्री माइनस रूट टू। डिफरेंस सेम है क्या? देखो नो सर। ये रूट टू माइनस वन है, ये रूट थ्री माइनस रूट टू है। डिफरेंस सेम नहीं आया, मतलब इट इज नॉट एन एपी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दिया समझ इसको? रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट टू करोगे तो रूट सिक्स होगा, मल्टीप्लाई रूट थ्री करोगे तो नाइन आएगा, मल्टीप्लाई फोर करोगे तो ट्वेल्व आएगा। हमको प्लस करना है। प्लस करना है, अगर रूट थ्री प्लस करते जाते हम तो रूट थ्री प्लस रूट थ्री टू रूट थ्री, रूट थ्री प्लस रूट थ्री टू में अगर एक और रूट थ्री प्लस करते तो थ्री रूट थ्री आता। तो हमें प्लस वाला प्रोग्रेशन चाहिए, मल्टीप्लाई वाला एपी नहीं होता। इट इज नॉट एन एपी। ओके अब 14 नंबर। वन का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर। अगेन पहले सॉल्व करो फिर करना इसको एपी है या नहीं। वन का स्क्वायर वन, भैया थ्री का स्क्वायर नाइन, फाइव का 25, एपी है? नो इट इज सर। नॉट एन एपी। चलो अभी 15 देखो। 15 भी यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ी जगह है तो। वन का स्क्वायर, फिर फाइव का स्क्वायर, फिर सेवन का स्क्वायर, फिर 73। तो देखो वन का स्क्वायर वन, फाइव का
25 7 का 49 ये एपी है या नहीं? ओ सर नहीं है। क्यों नहीं है? 24 24 आ रहा है। डिफरेंस 24 24 ही तो है। यस सर तो डिफरेंस आएगा 24। नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगे? 73 में 24 प्लस करो तो 97 फिर और 24 प्लस करो तो 121 और 24 प्लस करो 145 एक्सरसाइज 5.2 पे आते हैं। फाइव पॉइंट टू के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिराइव करवाया था। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला का यूज करके आपको 5.2 का जो क्वेश्चन 1 का टेबल है वो सॉल्व करना है। टेक्स्टबुक है सबके पास? यस सर। तो टेबल आपको टेबल एक्सरसाइज 5.2 खोल ली आप लोगों ने? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन 1 में जो फर्स्ट नंबर है टेबल में उसमें तीन चीजें दी हुई है। ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8। फाइंड क्या करना है आपको? ए एन। तो an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वैल्यू लगा दो ये तीनों, a की जगह 7, n की जगह 8, d की जगह 3। 8 माइनस वन 7, 7 थ्री ज़ा 21, 7 प्लस 21 28। ये पहले सॉल्व करना, मल्टीप्लाई ये माइनस करना पहले फिर मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई फिर आपको एडिशन करना है। चलो अब टू नंबर में आपको दिया हुआ है, ए दिया है माइनस 18, डी आपको फाइंड करना है, एन दिया हुआ है 10 और ए एन दिया हुआ है 0। चलो ए एन का फॉर्मूला यूज करना है आपको। ए एन इज इक्वल्स टू क्या आएगा? A प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी इंटू डी। ए एन की वैल्यू दी हुई है 0, ए की वैल्यू दी है माइनस 18, एन माइनस वन यानी 10 माइनस वन, डी की जगह डी लिखेंगे। चलो ये माइनस का 18 है, इस साइड आएगा तो प्लस 18, 10 माइनस 1 यानी 9, 9 डी आया, 9 डिवाइड में जाएगा तो 18 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू डी, तो डी इज इक्वल्स टू 2। हर्ष ने पहले ही मैसेज किया था, वेरी गुड हर्ष। देखो वापस से शायद मिस हो गया।
आपने बोला था कि अगर 18 मतलब किसी भी नंबर को 0 के साथ करते हैं तो वह 0 हो जाता है। वो तो मल्टीप्लाई ना, ये तो माइनस माइनस 18 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, 0 प्लस 18 ओके सर। माइनस का 18 इधर आया तो प्लस हो गया, 0 प्लस 18 18 होगा। चलो थ्री नंबर में आपको ए फाइंड करना है। हाँ, ए एन की फॉर्मूला, तीन चीज़ें दी हुई होंगी, एक फाइंड करनी होगी। ए फाइंड करना है, डी दिया है -3, एन दिया है 18। कौन मार रहा है फूके? किसका माइक कौन है? चलो ए एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू रखेंगे -5, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू 18 -1 मल्टीप्लाई बाय डी, डी की वैल्यू -3। -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 -1 यानी 17। 17 को -3 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 51 आएगा। अब ये माइनस का 51 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस हो गया, -5 +51 तो 46 आएगा, ए की वैल्यू 46। ओके, फोर नंबर, ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया हुआ है 2.5, एन आपको फाइंड करना है, ए एन दिया हुआ है 3.6। एन फाइंड करना है, एन चलो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की जगह लिखेंगे 3.6, ए की जगह -18.9, एन -1 और डी आएगा 2.5। चलो पहले ये माइनस का 18.9 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 कितना होता है? 3.6 प्लस 18.9 22.5। ये देखो 2.5 मल्टीप्लाई में है एन -1 के साथ, 2.5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा,
एन माइनस वन उधर ही रहेगा, 2.5 डिवाइड हो गया। चलो अगर ऊपर की पॉइंट हटाएंगे तो नीचे टेन आएगा, नीचे की पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर टेन आएगा। तो 225 अपॉन टेन, आगे सब चलो देखो, ये पॉइंट हटाया तो टेन टेन कट गया, फाइव की टेबल फाइव जा फाइव की टेबल 45, फाइव वन जा फाइव नाइन जा, तो 9 इक्वल्स टू एन माइनस वन, माइनस का वन इधर आएगा तो प्लस वन। तो एन की वैल्यू 10 मिल गई। चलो फिर लास्ट वाला फिफ्थ में ए दिया हुआ है 3.5, डी दिया हुआ है 0, एन दिया है 105, ए एन फाइंड करना है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ए की वैल्यू 3.5, 105 माइनस वन, डी क्या है 0 है। अब यहां पे 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, तो 3.5 प्लस 0 ये हो जाएगा 3.5। ओके क्वेश्चन वन कंप्लीट। क्वेश्चन टू, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म। आपको 30th टर्म यानी n इक्वल टू 30 लेके a 30 फाइंड करना है, 30th टर्म यानी a 30 फाइंड करना है।
तो देखो एपी दिया हुआ है आपको 10, 7, 4, ए कितना होगा इसमें, ए ए इक्वल टू 10, डी इज इक्वल्स टू 7 माइनस 10 यानी -3, और एन आपको लेना है 30। तो क्वेश्चन टू में एपी दिया हुआ है 10, 7, 4, आपको 30th टर्म फाइंड करना है। 30th टर्म यानी n30 लेना है और a30 निकालना है आपको, an निकालना है, an। तो देखो a30 यानी क्या होगा, a प्लस 29d होगा, क्योंकि a कम होता है हमेशा। तो a30 इज इक्वल्स टू a प्लस 29d। a की वैल्यू 10, 29 को मल्टीप्लाई करो -3 से, तो माइनस का 87 आएगा। 10 - 87 माइनस का 77, साइन बढ़ेगी जतेश। चलो फिर सेकंड है 11th टर्म ऑफ द एपी। 11th टर्म यानी आपको a11 फाइंड करना है। n11 लेंगे। कौन है आशीष है क्या? इलेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज -3। एपी दिया हुआ है -3, -1/2, टू एंड सो ऑन। ए की वैल्यू होगी 3, डी निकालते हैं a2 - a1, माइनस का 1/2, माइनस -3। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -1/2 +3, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। -1 + 6, -1 + 6 कितना आएगा, 5। तो डिफरेंस है आपका 5/2, ए है 3। a11 निकालना है, a11 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d हो जाएगा। ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 5/2, ये कटिंग हो रही है, 2 1 5 5, तो 3 + 5 5 25, तो a11 हो गया 28। समझ में आया ये सबको? कोई डाउट ये सेकंड नंबर में? क्या दिया हुआ है? अच्छा a की वैल्यू माइनस, हाँ, तो -3 + 25 आएगा, 22 आएगा, राइट।
माइनस थ्री प्लस 25 यानी 22 आएगा आंसर। किसने बताया ये माइनस थ्री का? ठीक है, चलो चलो आज ये मैथ्स का यहीं पे एंड करते हैं। कल कौन सा लेक्चर है आपका? तो हाँ, कल पहले साइंस होगा 2:30। हाँ हाँ की है क्या? तो जब नेक्स्ट लेक्चर, मतलब जब एसएसटी का पीरियड आएगा तब ऐसा? अच्छा, वो टाइम टेबल में नहीं लिखा है ना एसएसटी? हाँ, तो मैं न्यू बना के भेजता हूँ। मैं भेजता हूँ न्यू टाइम टेबल बना के। ओके हाँ हाँ दोनों आज अपलोड कर दूंगा मैथ्स की। कल आपकी वही होगी ना, हिंदी या गुजराती होगी ना? ओके चलो, बाय बाय ऑल ऑफ यू।